हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं बनाने जा रहा हूँ अंडा मैगी। तो अंडा मैगी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मैगी का पैकेट लिया है और अंडा लिया है, साइड में थोड़ा सा मैंने वेजिटेबल्स भी लिया है। इससे क्या होगा, खाने में और ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो ये गाजर लिया है, एक टमाटर लिया है, एक प्याज लिया है और हरा मटर लिया है। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कैटल लेंगे। यहाँ पे कैटल का स्विच मैंने यहाँ पे ऑफ रखा है। अभी हम क्या करेंगे, कैटल में डाल देंगे टमाटर कटा हुआ जो हमने लिया था वो हम डाल देंगे। इसके बाद हम डालेंगे एक प्याज जो हमने लिए थे रफली चॉप करके वो हम डाल देंगे। तो यहाँ पे प्याज भी मैंने डाल दिया है। इसके बाद हम डालेंगे गाजर को। गाजर को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इससे क्या होगा पकने में इजी होगा। और यहाँ पे मैंने टमाटर डाल रहा हूँ। तो गाजर टमाटर प्याज मैंने सब कुछ डाल दिया है वेजिटेबल। इसके बाद हम थोड़ा सा इस पर पानी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारा वेजिटेबल्स डालने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है। आपको पता है मैं थोड़ा सा पानी ऐड करता हूँ, इससे क्या होगा आपका कैटल जो है वो ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने कैटल का स्विच ऑन कर दिया और धीरे धीरे पकना स्टार्ट हो गया। इस टाइम पे हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे आधी छोटी चम्मच, और इसके बाद हम डालेंगे नमक। स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक मिला देंगे। नमक आप इस हिसाब से मिलाना क्योंकि आप जो मैगी का पैकेट है उसके अंदर जो मसाले होते हैं उसके अंदर भी नमक होता है। तो हम नमक और हल्दी को अच्छे से मिला देंगे। हैंडल को पकड़ के आप ऐसे घुमा सकते हो, इससे क्या होगा मसाले जो है वो वेजिटेबल्स के अंदर अच्छे से मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो जो पानी है वो सूख चुका है। इस टाइम पे हम मैगी का मसाला जो होता है वो हम डाल देंगे, मैगी का टेस्ट मेकर जो होता है वो हम डाल देंगे। और मैं 3 पैकेट यहाँ पे डाल रहा हूँ, बाकी का जो 1 पैकेट है वो हम लास्ट में यूज़ करेंगे। लास्ट में उसको गार्निशिंग में यूज़ करेंगे और ऊपर से छिड़क के खाएंगे तो खाने का मज़ा और दुगना हो जाता है, टेस्ट बढ़ जाता है। तो मसाले डालने के बाद हम क्या करेंगे, तो हल्का सा पानी डालेंगे, नहीं तो क्या होगा जल जाएगा हमारा मसाला जो है। तो पानी डालने के बाद हम ऐसे हैंडल को पकड़ के थोड़ा सा मिला देंगे। और अब देख सकते हो हमारा जो वेजिटेबल्स है वो अच्छे से कुक हो चुका है। इस टाइम पे हम क्या करेंगे, और थोड़ा सा अंडा मिला देंगे। अंडा मैंने यहाँ पे 1 मिलाया है, आप चाहो तो आप 3 डाल सकते हो, मैंने 1 ही डाला है। मैंने एक ही, मुझे ज़्यादा अंडा पसंद नहीं है तो मैंने बाद में 1 ही डाला हुआ है। तो अंडा डालने के बाद आप देख सकते हो, तो इसको ऐसे हल्का हाथों से हम मिला देंगे अंडे को। और अंडे को मैंने यहाँ पे मिला दिया, थोड़े टाइम के लिए हम पकने के लिए छोड़ देंगे। और अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो मैगी है वो हम थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके मैगी डाल रहा हूँ यहाँ पे, आप देख सकते हो। इस टाइम पे मेरा जो पानी है वो सूख चुका है, इसलिए मैंने कैटल का स्विच ऑफ कर दिया है। फिर से मैं थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद कैटल का स्विच ऑन कर दूंगा, इससे क्या होगा आपका कैटल जो है नीचे से ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं पानी ऐड कर रहा हूँ। अभी फिर से हम कैटल का स्विच ऑन कर देंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारा मैगी जो है वो धीरे धीरे पकना स्टार्ट हो गया है। इस टाइम पे हम कैटल का स्विच ऑफ कर देंगे और निकाल लेंगे मैगी को। तो बहुत ही झटपट तरीके से बन के तैयार हो गया हमारा मैगी। इस टाइम पे हम क्या करेंगे, हमने जो 1 पैकेट टेस्ट मेकर का बचा के रखा था वो हम ऊपर से छिड़क देंगे। इससे क्या होगा टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और खाने में भी मज़ा आता है। कितना क्रीमी सा बनाए आप देख सकते हो, ज़्यादा पानी नहीं रखा है हमने। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।